हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम एक ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं, एक ऐसे D10, एक ऐसी लैक्टो ब्लीच का डिस्कशन करने वाले हैं जिसके अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, दी बेस्ट उसके रिजल्ट्स हैं। जैसे ही आपने थंबनेल चेकआउट किया होगा, आज हम एक ऐसे ब्रांड का रिव्यू करने वाले हैं जिसके रिजल्ट दी बेस्ट है अपने आप में ही, और एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत पुराना एक मार्केट के अंदर रनिंग कर रहा है और बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। अगर हम बात करें अपने आज के प्रोडक्ट की, आज हम बात करने वाले हैं नेचर्स के लैक्टो ब्लीच के बारे में। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन के अंदर चेकआउट कर रहे होंगे, आज हम लैक्टो ब्लीच का डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली लैक्टो ब्लीच होती क्या है, हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी एक, कि हमारी जो हमारे D10 पैक आते हैं ये 3 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हमारे नॉर्मल, जिसे हम लैक्टो ब्लीच या D10 पैक बोलते हैं। एक आता है नॉर्मली ग्लो पैक, जो स्किन टाइटनिंग के लिए पैक होता है। थर्ड आती है हमारी एक्टिवेटर ब्लीच। इन तीनों कैटेगरीज के अंदर D10 ब्लीच आती ही आती है। अगर हम बात करें कि बेसिकली लैक्टो ब्लीच के अंदर होता क्या है, लैक्टो ब्लीच एक ऐसी ब्लीच होती है जो हमारी स्किन के ऊपर ग्लो देती है, सिर्फ हमारे हेयर्स को कभी भी ब्राउन नहीं करती। जितनी भी हमारी फेस के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी नेक, एल्बोज, नीज, जितनी भी टैनिंग होती है उसको वन शॉट के अंदर क्लीन करती है। ये इसका बेस्ट रिजल्ट्स है। अगर हम बात करें बेसिकली कि हम इसको फेस पे यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली आप हमेशा इसको यूज़ कर सकते हो, ये पूरी बॉडी के लिए है, इवन हमारे फेस के लिए दी बेस्ट है इसके रिजल्ट्स। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है। मतलब इसके अंदर अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसके अंदर हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट मिलते हैं। अगर हम उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात करें, फर्स्ट मिलता है हमें कोकोनट ऑयल, जो बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को कभी भी ड्राई नहीं होने देता, और उससे ज़्यादा अगर जितने भी हमारे डार्क स्पॉट्स हैं उनको लाइटन अप करने का काम करता है। सेकंड, ग्रिसलिन। ग्रिसलिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कॉस्मेटिक के अंदर यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट है, और आप सब जानते ही हो कि ग्रिसलिन के तो बेनिफिट्स ही कितने हैं हमारी स्किन के ऊपर। सनफ्लावर ऑयल, विटामिन ई, विटामिन सी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट इस टाइप के इसके अंदर एक्सेप्ट हैं, और जो हमारी स्किन के लिए दी बेस्ट हैं, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं और प्रॉपर हमें बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करते हैं। क्योंकि जब भी हमारी स्किन के ऊपर टैनिंग हो रही हो या हमारी बॉडी के ऊपर टैनिंग हो रही हो, हम चाहते हैं कि मेंस या वुमेंस दोनों कैटेगरी के अंदर कि हमारे हेयर्स ब्राउन हो, और मेंस कैटेगरी के अंदर तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है फेस को लेके कि हमारे हेयर्स कभी ब्राउन ही नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब भी हम ब्लीच करते हैं तो हेयर्स ब्राउन हो जाते हैं, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, टैन तो रिमूव करनी है ब्लीच की तरह ही, बट हेयर्स ब्राउन नहीं होने चाहिए। उस कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट हमें दी बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम नंबर ऑफ टाइप से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, आप इसको एज अ फेशियल यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम है, इसको एज अ ब्लीच यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप इसको एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं किस टाइप से। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपने कोइन अमाउंट का थोड़ा सा लैक्टो ब्लीच लेना है, आपने हल्की सी मसाज करनी है पूरे फेस के ऊपर, अच्छे से एक्सफोलिएट करना है 1 to 2 मिनट तक, देन आपने वॉश कर लेना है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट डिलीवर होंगे, आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत पैची हो रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट डिलीवर करेगी उस कैटेगरी के अंदर। अगर हम सेकंड बात करें, आपके पास थोड़ा सा 5 से 10 मिनट हैं, तो आप इसको प्रॉपरली लगा सकते हो फेस पैक के लिए 5 मिनट्स के लिए, और आप देन मसाज कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। अगर आपके पास उससे ज़्यादा थोड़ा अच्छा से टाइम है, आप प्रॉपर अपनी स्किन के ऊपर फेस वॉश कर सकते हो। थर्ड, आपने जो लैक्टो ब्लीच यूज़ करनी है, प्रॉपर आपने एज अ फेस पैक लगानी है 15 मिनट्स तक, देन आपने 5 मिनट्स की मसाज करनी है, देन वॉश। और जितने भी आपने मसाज करनी है वो आपने क्लॉकवाइज करनी है, सर्कुलर मोशन में। आप जितने भी आपने मसाज करनी है वो अपवर्ड्स की तरफ करनी है, लोअर वर्ड्स की तरफ नहीं करनी। क्योंकि अगर हम लोअर वर्ड्स की तरफ मसाज करते हैं तो आपकी स्किन होती है लूज। अगर आपको अपनी स्किन करनी है टाइट, तो आपको अपनी स्किन के ऊपर जो मसाज करनी है बेसिकली वो एक सर्कुलर मोशन में करनी है, वो एक क्लॉकवाइज करनी है, जिससे आपकी स्किन होगी टाइट और आपको दी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और अगर हम उससे ज़्यादा बात करें, हाइड्रेट करेगी हमारी स्किन। आप अपनी बॉडी के ऊपर भी इसी तरह आप इसको फंक्शनली यूज़ कर सकते हो, आप फुली मसाज कर सकते हो, एक्सफोलिएट कर सकते हो। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, जो हमारे लिए इंग्रेडिएंट्स जो बेसिकली काम करते हैं हमारी स्किन के ऊपर, अगर हम उसके अंदर फर्स्ट बात करें, फर्स्ट मिलता है हमें लैटिक एसिड। लैटिक एसिड बेसिकली करता क्या है, लैटिक एसिड हमारे फेस की टैनिंग निकालता है। जितनी भी हमारी बॉडी के ऊपर टैनिंग हो, प्रॉपरली जितनी स्किन का अनइवन टोन होना, मतलब आपका एक पोर्शन स्किन का डार्क हो रहा है, कोई पोर्शन लाइट हो रहा है, जैसे आप स्क्रीन में चेकआउट कर रहे हो, अनइवन टोन होना, इसको प्रॉपर क्लियरेंस देता है लैटिक एसिड। बट लैटिक एसिड अगर अकेला यूज़ करें तो हमारी स्किन हो जाती है ड्राई और पैची। उसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक्सेक्ट होता है मिल्क। मिल्क क्या करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट देता है, स्मूथ सा टच दे देता है, और हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को, जिससे आपकी स्किन का पीएच बैलेंस लेवल हो। क्योंकि जब भी हमारी स्किन का पीएच बैलेंस लेवल होता है तो हमारी
स्किन एक एक्स्ट्रा सा ग्लो देती है जब हम इसको यूज करते हैं प्रॉपरली, तो हमारे स्किन के ऊपर से जितने भी डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशंस है, ये बहुत ज्यादा लाइटर देन हो जाती है। लाइट होने के बाद आपकी स्किन का ग्लो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है अगर हम इसको रेगुलरली यूज़ करें तो आपकी पिगमेंटेशन, जितने भी आपकी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स हैं, वो बिल्कुल रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। दी बेस्ट रिजल्ट है इस प्रोडक्ट के। अगर हम बात करें, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, हमें दी बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करता है। अगर हम इस प्रोडक्ट की वैल्यू देखें, 500 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट 670 रुपीज़ के अंदर आता है। अगर हमें इसके ट्रायल पैक भी लेना हो तो ट्रायल पैक भी इसका मार्केट के अंदर आता है, जो 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है 100 रुपीज़ के अंदर। बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। अगर आप इसको अपनी बॉडी के ऊपर भी यूज़ करो, बहुत इकोनॉमिकल पड़ने वाला है ये प्रोडक्ट, और पॉकेट फ्रेंडली भी है। ये थी हमारी लैक्टो ब्लीच, जो एक ऐसी ब्लीच थी जो विदाउट एक्टिवेटर थी। हमारे फेस के हेयर्स तो कभी ब्राउन नहीं करेगी, बट आपके फेस की टैनिंग प्रॉपर रिमूव करेगी। हर कैटेगरी के अंदर आपको दी बेस्ट रिजल्ट देगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि मेंस कैटेगरी के अंदर और वुमेन्स कैटेगरी के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम रेगुलरली यूज नहीं कर सकते ब्लीच को, क्योंकि ब्लीच हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल देती है अगर हम इसको रेगुलरली फास्ट यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि ब्लीच के अंदर एक्टिवेटर नाम का जो इंग्रेडिएंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप यूज़ कर सकते हो लैक्टो ब्लीच अगर आपको हेयर्स ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। ये कैसा प्रोडक्ट है, अगर हम वीक में 3 times ऑफ यूज़ करें तो हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, बेस्ट रिजल्ट्स हैं। अगर आपको फिर भी इस प्रोडक्ट को लेके कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर सकते हो, आपकी हर क्वेरी को फुलफिल करेंगे हम। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो मिलती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।